कबीर साहिब एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का लेसन सेट की लेसन सेवन की पोइट्री जो एंगर और क्रोध है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और हम जिसके पास एक गाइड नहीं है उनके लिए भी हम एक पूरी एक कहानी है जो कविता के बारे में कहा गया है वो भी आप पढ़ लें जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि आपको कभी कभी एक एक अंक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड पावर है ये भी आप देख लेना। अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब एंगर इन द फर्स्ट स्टैंजा, अर्थात कवि पहले जो पद होता है उसमें क्रोध का वर्णन किस प्रकार करता है। तो आंसर देखेंगे द पोएट डिस्क्राइब अर्थात कवि वर्णन करता है एंगर अन क्रोध को एज एन अगली थिंग अन एक अगली होती जो क्रूर वस्तु उसके रूप में व्यक्त करता है। इट स्पॉइल्स अर्थात यह क्या कर देती है स्पॉइल्स बिगाड़ती है द फेयरेस्ट फेस, फेयरेस्ट आने जो सुंदरतम चेहरा होता है उसको क्या कर देती है बिगाड़ देती है। और इट मेक्स और क्या बनाती है मेक्स अ स्माइलिंग पर्सन अर्थात एक जो मुस्कुराता हुआ व्यक्ति है उसको क्या कर देती है फ्रोनिंग्स अर्थात डुबो कर मार देती है एज अ क्लाउड जैसे कि बादल स्नेचेस लाइट ऑफ द सन जिस प्रकार बादल आने सूर्य के प्रकाश को छीन लेते हैं उसी प्रकार क्या कर देती है ये एक मुस्कुराते हुए चेहरे को क्या कर देती है डुबो कर मार देती है। अब देखें आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन है हु इज ग्रेटर देन अ किंग अर्थात राजा से महान या बड़ा कौन है। तो आंसर है द पर्सन अर्थात ऐसा व्यक्ति हु क्रेशेस अर्थात जो हु आने जो क्रेशेस आने कुचल देता है एंड कंट्रोल्स और नियंत्रण रखता है एन एंग्री अर्थात एक क्रोध पर एंग्री थॉट्स आने जो क्रोध वाले विचार आते हैं उन पर इज ग्रेटर देन अ किंग वह राजा से भी क्या होता है महान होता है। अब एक क्वेश्चन आगे का हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज अर्थात कौन महान बहादुर और बुद्धिमान है। तो आंसर देखें ही वह हु फर्मली ट्राइज टू कॉन्क्वर जो क्या है हु माने जो फर्मली आए हैं मजबूती से ट्राई जाने कोशिश करता है बहुत मजबूती से कह क्या टू कॉन्क्वर आने परास्त करने के लिए एंड रूल्स हिमसेल्फ और स्वयं के नियम बनाता है रूल्स हिमसेल्फ अर्थात स्वयं के नियम पर चलता है इज नोबल वह कैसा होता महान होता है ब्रेव होता है बहादुर होता है एंड वाइज होता है बुद्धिमान होता है। आगे देखेंगे अपन व्हाई डू वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम अर्थात वाई यानी क्यों बी डू आने करते हैं बी यानी हम रिपेंट आने पश्चाताप फॉर आने के लिए अ लॉन्ग समय अर्थात हम लंबे समय के लिए क्यों पछताते हैं। तो आंसर देखें बी हर्ट अदर्स अर्थात बी यानी हम हर्ट आने जख्म या उसके हृदय को आघात पहुंचाते हैं हर्ट अदर्स अर्थात हम जो दूसरों को क्या पूछते हैं आघात पहुंचाते हैं बाई अवर एंगर किसके द्वारा हम अपने क्रोध के द्वारा दे हेट अस तो भी क्या करते हैं हमसे घृणा करते हैं इन अ मोमेंट अर्थात इस पल में या इस क्षण में बी स्पॉइल एवरीथिंग तो इस क्षण में हम क्या करते हैं स्पॉइल यानी बिगाड़ देते हैं या नष्ट कर देते हैं एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज टू डिस्ट्रक्ट टेक लिटिल टाइम अर्थात टू डिस्ट्रक्ट करना तोड़फोड़ करना टेक्स लिटिल टाइम यानी कम समय लेता है एंड
अर्थात बट कंस्ट्रक्शन टेक्स लॉन्ग टाइम, अर्थात जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वो कैसा होता है, लंबा समय लेता है कंस्ट्रक्शन। सो इसीलिए बी रेपेंट फॉर लॉन्ग टाइम, इसीलिए हम क्या होते हैं लंबे समय के लिए पछताते रहते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन एंगर बी कॉन्क्वर्ड, अर्थात क्रोध पर विजय कैसे पाई जा सकती है, हाउ कैन एंगर बी कॉन्क्वर्ड। तो देखें, इट इज नॉट इजी, यह सरल नहीं है टू कॉन्क्वर एंगर, अर्थात कॉन्क्वर यानी विजय पाना, एंगर यानी क्रोध पर। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये क्या होती है, बहुत मजबूत सोच होती है। इट कंपल्स अ मैन टू शो इटसेल्फ, तो इट कंपल्स यानी मजबूर कर देती है मैंने एक व्यक्ति को टू शो यानी प्रदर्शित करने के लिए इटसेल्फ। अपन जानते हैं कि किसी को यदि क्रोध आता है तो वो व्यक्ति को मजबूर कर देता है कि वो क्रोध को दिखाएगा ही। इट मेक्स ग्रेट हार्म, तो ये क्या बनाता है, बहुत नुकसान करता है। मेक्स ओनली अ पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, केवल एक व्यक्ति अपने स्वयं के नियंत्रण एंड सेल्फ रूलिंग और स्वयं नियम बनाकर कैन कॉन्क्वर, क्या कर सकता है कॉन्क्वर बजाय एंगर यानी क्रोध पर, अर्थात जो अपने रूल्स बनाता है उस पर चले तो वो क्या कर सकता है एंगर पर कॉन्क्वर प्राप्त कर सकता है। इट रिक्वायरेज ग्रीट पेशेंट, अर्थात विजय पाने के लिए रिक्वायरेज यानी आवश्यकता होती है ग्रीट पेशेंट और बड़े धैर्य की, एंड बेरिंग तो और बड़ी बहुत ज्यादा सहनशीलता की। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको इस चैनल के बारे में बताते चले और जिससे वो अधिक से अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।